जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कर्मफल दाता शनि आज से करवट बदल चुके हैं, यानी शनि कुंभ राशि में मार्गी अवस्था से वक्री हो चुके हैं, यानी उल्टी चाल से चल रहे हैं। और शनि की यह बदलती चाल धनु राशि के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगी जानेंगे। शनि की यह उल्टी चाल आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। 5 जून 2022 से अगले 141 दिन तक शनिदेव उल्टी चाल से चलेंगे और 23 अक्टूबर को शनिदेव अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। इस बीच 12 जुलाई को वक्री शनि मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। वर्तमान में तृतीय भाव में वक्री अवस्था में होंगे, जहां से शनि की वक्री दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। इससे भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा और शनि की यह वक्री चाल आपको अच्छा फायदा देने का कार्य करेगी। और यहां शनिदेव अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री होंगे और 12 जुलाई को भी वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मकर में गोचर करेंगे। और ये दोनों ही राशियां शनि की स्वयं की राशि हैं, तो जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो मजबूत स्थिति में होता है और अच्छे परिणाम देता है। वैसे शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और ये मार्गी और वक्री दोनों अवस्था में चलते हैं और लगभग 2.5 वर्ष का समय एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने में लगाते हैं। शनि की जैसी अपनी चाल होती है वैसे ही प्रभाव होते हैं, यानी शनि का जो प्रभाव है वो धीमे धीमे धीरे धीरे पड़ता है लेकिन मजबूत होता है, प्रबल होता है। और जब शनि वक्री होता है यानी उल्टी चाल से चलता है तो उसके प्रभावों में तीव्रता आती है, यानी वक्री शनि की जो चाल का प्रभाव पड़ेगा वो कई गुना ज्यादा पड़ेगा। तो शनि की है बदलती चाल धनु राशि के लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, तो इस दौरान आपका आध्यात्म की ओर झुकाव होगा, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, समाज के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, समाज में आपकी एक अच्छी पहचान बनेगी और जीवन में आर्थिक लाभ मिलने के संकेत मिलेंगे। इस दौरान आप सभी कार्यों के प्रति ईमानदार होंगे, दयालु होंगे और निष्ठावान होंगे और इस तरह का व्यवहार आपके साथियों को, आपके पड़ोसियों को प्रभावित करेगा, जिससे आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, मन शांत होगा और शनि की यह स्थिति आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का कार्य करेगी। आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति करेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनका जीवन खुशियों से भरा होगा, एक दूसरे के प्रति अच्छे संबंध होंगे, आपसी विश्वास बढ़ेगा और अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना रहेगी। जो लोग प्रेम जीवन से जुड़े हुए हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो इस दौरान आप अपने बड़ों से बात कर सकते हैं, यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा। इस राशि के जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर शनि की यह स्थिति आपको अच्छे बदलाव देगी, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और शनि कई बार आपकी परीक्षा भी लेंगे, आपकी वाणी को कटु कर सकते हैं, आपको क्रोध दे सकते हैं, अचानक आपका गुस्सा भी बढ़ेगा और कटु शब्दों का इस्तेमाल करने से आप अपने परिवार में वाद विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी में मधुरता रखें और कटु शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, अन्यथा इसका असर आपके व्यापार व्यवसाय पर भी दिखाई देगा। नौ ग्रहों में सबसे खतरनाक गुस्सा शनिदेव का ही माना जाता है और इन्हें शांत रखने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं,
जिससे कि आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो। सबसे पहले तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और इनकी कृपा पाने के लिए शिव की उपासना एक सिद्ध उपाय है। शिव के पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय जाता रहता है और सभी परेशानियां, सभी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान शिव की तरह उनके अंश अवतार बजरंग बली की साधना से भी शनि से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, बेसहाराओं को दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से शनि की कृपा दृष्टि आप पर बनी होगी और आपके जीवन में खुशहाली होगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक